साथियों, मैंने लोगों से बोला है कि बड़ा कौन होता है, बड़ा कौन होता है पदों में? बड़ा है कोई तो मैं हूँ। मैं 3 बार लोकसभा में रहा हूँ, 3 बार राज्यसभा में रहा हूँ और उनसे 6 साल पहले बना हूँ, 7 साल पहले। तो बड़े वो हैं या कांग्रेस का उम्मीदवार बड़ा है? और बड़ा मानते हैं उसको, जनता मानती बड़ा। ये जो चुरू से चुनाव लड़ते, चुरू की जनता से डर गए? जिस जनता ने 35 साल तक अपने कलेजे के चिपका के रखा, आज उसी के छुरा घोंप के जयतार चुरू छोड़ दिया, क्योंकि चुरू में उनकी पोल खुल गई थी। यहाँ पर हमने तारानगर में नहर बनाई है और यहाँ की हर गलियाँ नहर है। ये 35 साल का विकास है। इसलिए 3 दिन की नेता प्रतिपक्ष से मात्र, 3 दिन के इनके नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद 3 दिन विधानसभा चली है। अब 3 दिन में कोई बड़ा आदमी बन गए तो बड़ा आदमी बन गए। चुनौती, क्या चुनौती मानते हैं अपने इस चुनाव में आप? मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है। तारानगर में 2 चीज़ों की लड़ाई है, नहर काटने वाला और नहर बनाने वाला। इन्होंने नहर काटी किसानों की और मैंने 120 किलोमीटर नहर बनाई है। 90,000 किसान उसका लाभ ले रहे हैं। 63 गांवों में वो नहर गई है। किस मुंह लेके चुनाव लड़ेंगे? अब बैज जी को कह दिया कि तेरे को सरदार से टिकट दूंगा और बुढ़ा करके उन्होंने ज्वाइन करा दी। अब कल मैं देख रहा था टीवी के अंदर, इसमें व्हाट्सएप पर बैज जी अपना आईडी पे पोस्ट डाल रखी है कि मैं अस्वस्थ हो गया इसलिए कुछ दिनों बाद आऊँगा। अब अस्वस्थ कैसे हो गया? तो बलि के बकरा बनाते हैं ये। यहाँ पहले हरलाल को बनाया, फिर तारानगर चले गए, फिर तारानगर से यहाँ आ गए, वहाँ चुनाव लड़ाया जांगिड़ साहब को। आज वो 5 साल मेहनत की उन्होंने, अब उसका गला काट दिया। अंतिम सवाल, सरकार किसकी बन रही है? आप कितने वोटों से जीत रहे हैं और चूरू में आप कितने वोटों से जीत रहे हैं? कितनी सीटें चूरू जिले में आ रही है? चूरू की सीट ऐतिहासिक जीतेगी, चूरू जिले की 6 की 6 सीट जीतेगी और तारानगर में 20,000 से ज्यादा मतों से जीतूंगा। और राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर पहली बार रिकॉर्ड टूटेगा। राजस्थान के अंदर फिर कांग्रेस की सरकार आ रही है और स्पष्ट बहुमत के साथ आ रही है। ये तो बीजेपी के अंदर इतनी मारामारी हो रही है, टिकटों में कैसा बवाल हुआ आपने देखा। सब मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं, सब मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं। आज जिस प्रकार से इनके पार्टी में चल रहा है, इससे स्पष्ट है कि जनता इनके साथ नहीं है। कांग्रेस ने ओपीएस जैसा काम किया है, गरीब का घर संभाला है, गरीब तक गई है वो जनता। इतनी योजनाएं दी हैं अशोक गहलोत ने जो कभी कोई मुख्यमंत्री दे नहीं सकता। एक वो वाला प्रचलित, क्या कहेंगे? तारानगर की जनता ने फैसला कर लिया है कि राठौड़ साहब का मोरिया बुलाएंगे।